एनएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको दिखाया था शंकु और बेलन, जिसमें हमने गोला अर्धगोला छोड़ दिया था। आगे बढ़ने से पहले एक बार गोला और अर्धगोला के बारे में बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ये गोला बना रखा है, ये हमारा त्रिज्या, जहाँ गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², व्यास 2r, और जब जरूरत पड़ेगा तो ये ही हमारा व्यास ही बन जाता है ऊंचाई। तो देखिए, h का मान लिखा हुआ है 2r। अर्धगोला का हमने आयतन लिखा है, गोला का आयतन से आधा होता है, जैसे ही बटा में 2 करेंगे 2 से 2 कटेगा और 2/3 πr³। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3πr², क्योंकि हमने आपको क्लास में बताया था, देखिए 90 डिग्री पे ये 4 पार्ट में हो जाता है, तो इसलिए हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², लेकिन वक्र के लिए 4 का आधा हो जाता है 2πr². संपूर्ण के लिए देखिए यहाँ पर 3r बन रहा है, ये हमारा 3r, इसलिए संपूर्ण चारों तरफ का होता है, इसलिए चारों तरफ का निकालेंगे तो 3πr². इसका भी व्यास 2r होता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो देखिए ऊंचाई हमारा यही बनता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऐसे अर्धगोला को उल्टा कर देंगे तो ऊंचाई 2r हो जाएगा, नहीं, यही हमारा ऊंचाई होता है। h का मान r, यहाँ पर h का मान r और यहाँ h का मान 2r। बीच में कभी कभी एक एक दिन वीडियो रुक रुक के अपलोड करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा घर पे रहते हैं, बाल बच्चे अगल बगल हैं। और क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, समान अर्धव्यास वाले बेलन और गोला, समान अर्धव्यास यानी दोनों के त्रिज्या समान है, इनके आयतन भी समान है। तो बेलन का आयतन πr² होता है और गोला का होता है 4/3 πr³। जो कटने वाला है कटा दीजिए, πr² से ये r बार में खत्म, और एच बटा में लिख दीजिए r, तो मिल गया आपको 4/3। अब आपको 2r अनुपात h निकालना है और r का मान आपका 3 आ गया है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 2 × 3, h का मान लिख दीजिए 4। तो देखिए 2 से ये हमारा 2 बार में कट गया और अनुपात बन गया 3:2। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, ठोस बेलन के आधार का व्यास, देखिए 2r = 16 और उसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, बेलन के बारे में कहा है, इसको पिघलाकर 12 गोला बनाना है, तो आपको त्रिज्या पता नहीं है और पूछा है कि तब गोला का व्यास कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी ठोस को पिघलाकर एक दूसरे रूप में ढालेंगे तो दोनों का आयतन समान होता है, तो आप बेलन का आयतन लिखिएगा, यहां से r का मान निकाल लीजिए 8, और इनका आयतन होता है πr² यानी 8 × 8, और h का मान दिया हुआ है 2। यहां पर गोला का होता है 4/3 πr³, यहां पर 12 है तो इनके संख्या से गुणा कर देना होता है, देखिए गुणा 12 कर दिए हैं, अब आपका पाई से पाई खत्म, और ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से ये 2 बार में, और 4 × 8 = 8 खत्म। r³ = 8, तो r का मान निकल जाएगा 2, r³ = 8, तो r का मान 2। लेकिन आपसे पूछा गया है व्यास, और व्यास होता है 2r, r का मान 2 रख लीजिए, तो व्यास आपका बन गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोला, गोला जिसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आप यहां से त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या आपका बन गया 3 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक तार बनाना है, और हमने बताया था सिक्का और तार दोनों बेलनाकार होता है, जिसकी त्रिज्या 1 mm, तो पूछा है लंबाई कितना, वही लंबाई होता है ऊंचाई। अगर गोला को पिघलाकर आपको तार बनाना है, दोनों का आयतन समान होगा, इनका आयतन 4/3 πr³ होता है, तो 3 × 3 कर देंगे, बेलन का होता है πr². तो देखिए mm में दिया हुआ है, तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बटा में 10 कर देंगे, गुणा h हो गया, पाई से हमारा पाई खत्म, 3 से ये 3 बार में, और 12 ये 36 पर आकर 00 बैठ जाएगा, ऊंचाई बराबर यानी तार की लंबाई 3600 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 3600, अगर मीटर में दिया हो तो 100 से भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 26 मीटर। नंबर 81 दिया है, यदि गोले के अर्धव्यास 2 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या पहले r और 2 मीटर की वृद्धि कर दे यानी r+2, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण का है या वक्र, गोला का तो दोनों सेम होता है, तो यहाँ r+2 ये अधिक होगा, तो आप यहाँ सूत्र लगाइएगा 4πr², यानी r+2 है तो r+2² और इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4π त्रिज्या r है तो r². अब क्वेश्चन में कहा है कि इस क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल 704 अधिक है,
तो दोनों का अंतर दिखा दीजिएगा 704, यहां से 4 पाई आप निकाल लीजिए, तो 4 पाई 22 बटा में 7, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और माइनस आर स्क्वायर बराबर मिलेगा 704। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 11 से कटा दीजिए 2 बार में, 6 से 66 4 बार में, 4 दुना 8 से ये 8 बार में, और देखिए यहाँ 4r बराबर ये 56 से जाके 4 घट जाएगा, तो 4r बराबर 52, तो त्रिज्या आपका बन गया 13। और आपसे यही पूछा है कि प्रारंभिक त्रिज्या बताइए, इसलिए प्रारंभिक त्रिज्या हमारा क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक बड़ा गोलाकार गेंद बनाना है, इसमें 25% सामग्री नष्ट होता है। तो हम जानते हैं किसी भी गोला को पिघलाकर दूसरे गोले में ढालेंगे तो दोनों के आयतन बराबर होगा। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई R1 का, 4/3 पाई R2, 4/3 पाई R3। तो हमने कॉमन कर लिया 4/3 पाई, तो यहाँ R1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब, R2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब, और ये R3 का क्यूब 3 का क्यूब। और जो बड़ा गोला बनाएंगे उसका भी हमने सूत्र लिख दिया 4/3 पाई R3। फिर कहा है इस तीनों में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, 25 अगर नष्ट हो जाएगी तो बचेगा 75%, हमने डायरेक्ट लिख दिया 75%। तो 4/3 पाई दोनों तरफ से खत्म हो गया, यहाँ 27, 8, 35, 36 हो जाएगा, और यहाँ कटा देंगे 25 से 3 बार में 4 बार में, तो ये देखिए 3/4, 4 को हमने कटा दिया 9 बार में बराबर R3। तो आपको दिख रहा होगा 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 और क्यूब आके इधर रूट बनाएगा, तो R बराबर यहाँ पर 27 को रूट से बाहर निकालेंगे, आपका बड़ा त्रिज्या बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। 84 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो गोले के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है तो आयतन का अनुपात कितना। आयतन यहाँ देखिए 4/3 पाई R3, तो R का क्यूब यानी पहले R का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, हमने एक ही बार 27 लिख दिया। यहाँ भी 4/3 पाई R दूसरे का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई खत्म हो गया और बच गया 27:8। अब अगली बार से आपको मिले तो पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आयतन पूछा है तो आयतन में R का क्यूब होता है, तो सीधा 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 लिख दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 4πr² होता है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख देना है। यहाँ आयतन पूछा है तो देखिए क्यूब आ गया और आंसर हो गया 27:8। 86 नंबर 86 क्वेश्चन कहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय खोखले गेंद के अंतर्गत एक बड़े से बड़े घन का आयतन, एक खोखला हमने गेंद बना दिया और बड़ा से बड़ा यही हमारा घन होगा, उसी घन का आयतन। अब हम जानते हैं घन का आयतन तो भुजा क्यूब होता है और भुजा का मान आपको पता नहीं है, जबकि R का मान दिया हुआ है त्रिज्या यहाँ पर R, तो आप भुजा निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर जो घन है, घन का विकर्ण होता है √3 × भुजा, और घन के विकर्ण बराबर ये गोला का व्यास, और व्यास आप लिख सकते हैं 2R, तो भुजा निकल जाएगा 2R/√3, और यहाँ पर घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो आप कर लीजिए 2R√3 का क्यूब हो जाएगा, जिसका क्यूब बन जाएगा 8R³/√3 का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा 3√3, और यही हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले में एक बेलन बनाना है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 54 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गोले कितने पिघलाए जाए, यानी आपको गोला पिघला के बेलन बनाना है। तो हमने आपसे बताया था कि संख्या बराबर होता है बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, और आपको बताना है कि कितने गोले यानी गोला छोटा है और बेलन बड़ा है। तो आप यहां से निकाल लीजिए R का मान आ गया 2, यहां से R का मान निकालिए 3/2, और संख्या बड़े का आयतन बड़ा हमारा बेलन है पाई R²h यानी 2 × 2, h का मान 54 दिया हुआ है, और इनका होता है 4/3 पाई R³, तो 3/2 3/2 और 3/2। तो देखिए पाई से पाई हमारा खत्म हो जाएगा, 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, 4 से ये खत्म हो जाएगा, 3 × 9 से ये 6 बार में, 6 × 12 × 24 × 48, यानी आपको गोला पिघलाना होगा 48। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाना है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास यानी 2R = 20 सेंटीमीटर, और उस खोखले पाइप का मोटाई 2.5 mm।
तो आपको बताना है कि ये ठोस बेलन की ऊंचाई कितना। हम जानते हैं किसी को पिघला के एक दूसरे रूप में ढालेंगे तो दोनों का आयतन समान होता है। तो पहले आप यहाँ बड़ा आर दिया है तो छोटा आर निकाल लीजिएगा, 2 से ये 10 बार में, और छोटा आर बराबर हो जाएगा 10 और मोटाई घटा दिया जाता है। लेकिन मोटाई हमने देखा कि एमएम में दिया हुआ है, तो आप 10 से भाग लगाइए तो सेंटीमीटर में मोटाई हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। आप यहां से घटा दीजिए 0.25, तो छोटा आर का मान आ गया 9.75। अब आपका बड़ा आर छोटा आर निकल ही गया है, तो आप आयतन रखिएगा, यहाँ आर का मान 1 सेंटीमीटर हो गया, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ 1 के स्क्वायर 1 के लिखते हैं, और एच का मान एच, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आपको दिखाना होगा बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, और एच का मान दिया हुआ है 16। तो देखिए पाई से पाई हमारा खत्म, एच बराबर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस कीजिएगा तो 19.75 बन जाएगा, एक बार ये माइनस कीजिएगा तो 0.25 बनेगा, और गुणा 16 कर दीजिए। तो देखिए दशमलव के लिए बटा में यहाँ 100 कर लीजिए, 25 से 4 बार में, और 4 से ये कट गया 4 बार में, जैसे ही 19 में 4 से गुणा करेंगे कि बनेगा 79 सेंटीमीटर, यानी खोखले बेलन जो बनेगा ठोस बेलन से, उस बेलन की ऊंचाई हमारा बन गया 79। 89 क्वेश्चन दिया हुआ है गोले का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, 4851 है, तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। आप यहाँ मान रखिएगा 4/3 π का मान 22/7, आर का क्यूब बराबर 4851, घटा दीजिए 11 से 2 बार में, 11 से 1 कटेगा 4 बार में 44, 4 44 41, और यहाँ कट सकता है आपका 8, रहने दीजिए, आर क्यू बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 7 या 21 यहाँ बटा में आ जाएगा 4 × 8, तो आर का मान बन जाएगा 21/2। यदि आर का मान हमारा निकल गया और संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो 22/7 गुणा कर लीजिएगा 21/2, 21/2, जैसे ही आप यहाँ पर मान रखेंगे आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान आपको रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, घन तथा गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल समान है। देखिए घन का होता है 6 × भुजा स्क्वायर और गोला का होता है 4 πr² आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये घन का होता है और ये गोला का होता है। तो यहां से ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर हो गया 4π/6 स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो ए आर का हो जाएगा 2√π और √6। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आयतन बताइए, तो आयतन होता है घन का भुजा क्यूब अनुपात गोला का होता है 4/3 πr³। अब आपको ध्यान में थोड़ा रखना है कि ये हमारा ए क्यूब है, तो इसको 2 पार्ट में आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुणा ए, ऐसा लिखने में आसानी होगा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर का मान यहाँ 4π दिया हुआ है और ए का मान यहाँ पर आ गया है 2√π। वैसे ही इसका भी आप 4/3π रहने दीजिएगा, 4/3π गुणा आर क्यूब के लिए आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं, आर स्क्वायर गुणा आर, आर स्क्वायर का मान 6 दिया हुआ है, आर का मान यहाँ पर √6 है तो √6 लिख दीजिए। अब कटाइए, यहाँ से पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, और 4 से देखिए 4 भी खत्म, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 3 बार में कटा दीजिए, तो इधर बच गया आपका सिर्फ √π अनुपात √6। अब पाई का मान 22/7 रखते, लेकिन आंसर √π और 6 में ही दिया है, इसलिए यहीं पर हमारा आयतन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ, एक शंकु तथा गोले की त्रिज्या समान है और आयतन भी समान है, हमने आयतन यहाँ पर लिख रखा है, तो आपको बताना है गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात। तो आप यहां से कटा लीजिए, पाई आर स्क्वायर से ये कट जाएगा आर बार में, और देखिए 3 से 3 खत्म। आप चाहें तो h/r = 4 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब h का मान आप 4 देख सकते हैं, r का मान 1, तो देखिए यहां पर r का मान 2 × 1 कर लीजिए और ऊंचाई आपका 4 का 4 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए ये आपका 2 बार में, और अनुपात बन जाएगा 1:2, 1:2। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, 2 शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है और इनके व्यास है 4:5। अगर व्यास का 4:5 दिया हुआ है तो त्रिज्या यहाँ बन जाएगा 2, दूसरा त्रिज्या बन जाएगा 5/2। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² पहला एच, और 1/3 πr² दूसरा एच, इसी का अनुपात दिया है 1/4। यहाँ से 1/3π कटा दीजिए तो देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा, गुणा h1 रहने दीजिए, और यहाँ बन जाएगा 25/4,
गुणा एच टू बराबर एक बटा में चार। अब आप ध्यान से देखिए, ये यहां से चार उठेगा, चार यहां से हटा देते हैं और ऊपर चल जाएगा चार गुणा में। तो आप निकाल सकते हैं कि एच वन बटा एच टू बराबर चार चौके 16 और तिरछा तिरछी गुणा होगा, यहां 64 बन जाएगा और ये 25 चल जाएगा ऊपर, तो 25 हो गया। अब दोनों के ऊंचाई का अनुपात बन गया 25:64। आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।